सबसे पहले मतलब उसका जवाब जो पहले क्वेश्चन का वो यही है कि T20 ऐसा फॉर्मेट है जिसमें एक एक ओवर में गेम बदलता है और इस फॉर्मेट में कोई भी टीम हल्की नहीं होती मेरे हिसाब से, तो ये सबसे पहले तो वही है. बाकी ऑब्वियसली दुख लगा कि हम मैच हारे, वो कोई भी ओपोनेंट होता तो हमें दुख लगता ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन हमने जो भी अपनी गलतियाँ की वो हमने बात की, डिस्कस किया सब ने कि क्या क्या हो सकता है बेटर. जैसे बैटिंग में हम सिंगल ज़्यादा अच्छे ले सकते हैं, बॉलिंग में ये हो सकता है, लाइन अच्छी डाल सकते हैं, फील्डिंग में क्या और कर सकते हैं, तो ये सब हमने बात की और वही प्रोसेस पे ध्यान दिया कि ऐसे करेंगे तो हम आराम से जीतेंगे. आप देख सकते हैं कि हमारी बॉलिंग इस मैच में काफ़ी बढ़िया थी, लाइन एंड लेंथ हमारी बहुत ही अच्छी थी और इवन बैटिंग में भी हमने काफ़ी सिंगल्स लेने की कोशिश की. तो वही अपने अपने प्रोसेस पे ध्यान दिया कि अगर हम उस पे ध्यान देंगे तो आराम से मैच जीतेंगे. आई थिंक इनिशियली इट वॉज डिफिकल्ट, दे वर बॉलिंग इन द राइट चैनल आई थिंक, एंड ऑल्सो द विकेट वॉज लाइक स्टेइंग लो एंड यू नो स्टॉपिंग अ बिट, सो इट वॉजंट ईजी टू लाइक हिट द बॉल. सो दैट्स वॉट मी एंड राहुल वॉज ट्राइंग टू talk to each other that we should look to you know time the ball rather than hitting the ball hard. So initially it was a bit difficult but slowly gradually we build up on a good partnership. मेरे हिसाब से जैसे आपने चीज़ें बोली, अगर हम ये चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो और प्रेशर पड़ता ही है. जिम्बाब्वे ने कभी सीरीज नहीं हराई, हमें सब सेलेक्टर्स देख रहे हैं, तो हम एक साथ ही सारे खेले हैं, राहुल वगैरह हम सब एक साथ ही खेले हैं, तो हमें NCA में ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आप अपने प्रोसेस पे ध्यान दो, ये चीज़ों के बारे में मत सोचो. जैसे मैंने पहले गेम में गया था तो मैं काफ़ी नर्वस था कि पहला गेम है ऑब्वियसली इंडिया के लिए तो कैसे रहेगा ये वो, लेकिन जब मैं अंदर गया बैटिंग स्टांस लिया तो बस ये था कि मैच जीतना है. मैं भूल गया था ऑनेस्टली कि मेरा पहला गेम है और आई थिंक वो सबसे बड़ा क्रेडिट जैसे हमें बिल्डअप किया है BCCI NCA ने उसमें जाता है कि हमारा अप्रोच ऐसी रहती है कि बस बॉल टू बॉल खेलो, मैच जीतने को देखो रादर देन थिंकिंग अबाउट यू नो विनिंग द सीरीज या जो भी है. तो वो वही है कि प्रोसेस पे ध्यान देंगे तो वही ज़रूर हम जीतेंगे अगला मैच.